जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, कोर्ट के अंदर में कोर्ट को यह बताया गया है कि एक तरफ केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उन्हें शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, दूसरी तरफ जो उनको घर से खाना मिल रहा है, जो अनुमति के आधार से उनको मिल रहा है, उसमें वो आम, मिठाई, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं जिससे चीनी बढ़ जाती है, चाय में भी चीनी डाल रहे हो। अब कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो क्या उसे परहेज नहीं करना चाहिए? परहेज नहीं करेंगे और जानबूझ के अगर ये चीजें खाएंगे तो क्या इससे उनकी बीमारी बढ़ेगी नहीं? तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठेगा कि क्या केजरीवाल जी जानबूझ के इस प्रकार की चीजें खा रहे हैं ताकि उनका शुगर ऊपर जाए और वो कोर्ट को कह सके कि जेल में उनकी तबियत खराब हो रही है? तो क्या ये कोर्ट के साथ एक खिलवाड़ नहीं हो रहा है? जेल की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? और क्या राजनीति के लिए केजरीवाल जी और उनकी पार्टी और परिवार के लोग इस हद तक जाएंगे?